Assalamu alaikum and greetings everyone. आज का टॉपिक है हाउ टू लिव स्ट्रेस फ्री लाइफ और हाउ टू मैनेज स्ट्रेस. जिस माशरे में हम रह रहे हैं वो कभी भी स्ट्रेस फ्री नहीं हो सकता, ये तो अंडरस्टूड है. हमें इसके साथ तो रहना है मगर इसके अंडर प्रेशर नहीं रहना. स्ट्रेस दो किस्म के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म स्ट्रेस जो है वो हमारी कॉग्निटिव स्किल्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, जिसमें हम अपना ब्रेन यूज़ कर रहे होते हैं, वो लिखना पढ़ना गौर से समझना देखना और जस्टिफाई करना डिसीजंस लेना, ये एक डेली लाइफ का एक हिस्सा है हमारा. लॉन्ग टर्म स्ट्रेस और क्रॉनिक स्ट्रेस हमारे लिए जानलेवा साबित होता है. इस तरह का मुसलसल स्ट्रेस हमारे लिए बहुत बुरा होता है, हमारे इम्यून सिस्टम को बिगाड़ के रख देता है. हर इंसान के अंदर एक लिमिटेड अमाउंट में एनर्जी होती है और जब भी इस तरह का स्ट्रेस हमारे ऊपर आता है तो हम वो एनर्जी निकालते हैं और उससे वो फाइट करती है और फिर हम स्ट्रेस से बाहर निकल आते हैं. मगर जब इस तरह के स्ट्रेस हमारे लाइफ में बार बार आ रहे होते हैं तो वो लिमिटेड अमाउंट की एनर्जी बहुत उसके लिए कम पड़ जाती है. अब बात करते हैं वेज टू मैनेज स्ट्रेस. स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारने के लिए हमें किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए? वॉक, एक्सरसाइज और कोई भी फिजिकल मूवमेंट हमारे मूड को बेहतरीन बना देता है और इससे हमारे ब्रेन में जो स्ट्रेस हॉर्मोन्स हैं वो रिलीज होने लगते हैं और हम रिलैक्स फील करते हैं. डीप ब्रीदिंग, गहरे सांस लेना, इससे हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ जाता है, एयर का फ्लो बढ़ जाता है और हम काम हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं. डीप ब्रीदिंग का क्या तरीकाकार है कि 7 से 8 सेकेंड्स तक हमें अपनी सांस अंदर लेनी है नाक के ज़रिए और फिर मुंह के ज़रिए सांस को 7 या 8 सेकेंड्स के अंदर ही बाहर निकालनी है. बैलेंस डाइट और अच्छी डाइट आपका बॉडी वेट तो मेंटेन रखती ही है मगर आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है. हमें जंक फूड अवॉइड करना चाहिए और सैचुरेटेड फैट्स जो है वो कम से कम लेने चाहिए. वाइटमिन्स का, मिनरल्स का हमारी बॉडी में बहुत बड़ा रोल होता है और समटाइम्स हमें ख्याल नहीं आता, समटाइम्स हम इस तरफ ध्यान नहीं देते कि कोई अगर वाइटमिन की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में मौजूद है, वाइटमिन डी की, आयरन की, बी वाइटमिन्स की, तो भी हम डेली लाइफ का अपना स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पाते हैं. तो काइंडली रेगुलर चेकअप्स करवाएं और अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें कि कोई ऐसा आपके बॉडी के अंदर वाइटमिन की कमी तो नहीं है जिसकी वजह से आप डेली लाइफ का स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पा रहे हैं. नेचर ऑलवेज गिव्स अस पॉजिटिव एनर्जी, तो आप कोशिश करें कि अपने सराउंडिंग में इंडोर प्लांट्स हों या कहीं बाहर डेली कोई आउटडोर एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए या जहाँ वॉक करने जा रहे हैं वो कोई अच्छा सा ग्रीन पार्क हो या आपके घर के बाहर ऐसी ग्रीनरी होनी चाहिए जिसमें आप थोड़ी देर अपना टाइम ज़रूर स्पेंड करें. इससे हमारे अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती है. अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से अवॉइड करें और कॉन्फ्लिक्ट से अवॉइड करें. उस बेजा बहस से या तकरार से या कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे कोई झगड़ा बढ़ जाए, तो इन चीज़ों से अवॉइड करें. और सेट बाउंड्रीज विद पीपल हु कॉज यू ग्रीफ. हम सबकी लाइफ में कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स होते हैं तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो इस तरह के इन्फ्लुएंसेस हैं उसे अवॉइड करें क्योंकि इससे हमारी लाइफ में स्ट्रेस बढ़ जाता है. अपनी जिम्मेदारी शेयर करें और सब काम अपने ऊपर ना लें और नो कहना सीखें. हर वक्त यस ना करें क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप उतनी ही उठा सकते हैं जितनी आपके अंदर स्टेमिना है. तो इन चीज़ों पे भी सोचना बहुत ज़रूरी होता है जबकि हम समटाइम्स इस चीज़ को अवॉइड कर जाते हैं और सबकी जिम्मेदारियाँ हम अपने ऊपर ले लेते हैं और हम में इतनी ताकत नहीं होती है और फिर हमें स्ट्रेस होने लगता है. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए हमारी सेहत होना चाहिए और हमें अपनी सेहत का ख्याल खुद रखना है क्योंकि जब हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे और हम खुद सेहतमंद नहीं होंगे तो हम दूसरों का भी ख्याल नहीं रख पाएंगे. अक्सर लोगों की ये शिकायत होती है कि हमारे पास टाइम नहीं है. अपना ख्याल रखें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, तो जब हम टाइम मैनेज करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस भी मैनेज होता जाएगा. हॉबीज़ भी हमारे माइंड को रिफ्रेश करती हैं, हमारे मूड को अपलिफ्ट करती हैं, बूस्ट करती हैं. और ट्राई टू फाइंड समथिंग न्यू, कुछ आइडियाज़ एक्सप्लोर करें, कुछ ना कुछ न्यू करने की कोशिश करें. कुकिंग में भी हम कुछ नई चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, कुछ और घर पे हम नया कर सकते हैं. हॉबीज से मेरा मकसद है कि किसी को गार्डनिंग का शौक़ होता है, किसी को मूवीज़ देखने का शौक़ होता है, ड्रामास देखने का शौक़ होता है,
बुक्स पढ़ने का शौक होता है, तो जो भी आपका शौक है उसके लिए टाइम ज़रूर निकालें। और कोई ऐसी सैड मूवीज़ या ड्रामास ना देखें तो बेहतर रहेगा। मैं अक्सर रात के टाइम पे सोने से थोड़ा सा पहले अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए कोई कॉमेडी लाइट से ड्रामास देख लेती हूँ। क्रिएट अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट में, जब पॉजिटिव लोग आपकी सराउंडिंग में होंगे तो इवन नेगेटिव सिचुएशंस में भी वो पॉजिटिव रहते हैं, और जिसकी वजह से आप स्ट्रेस से बच सकते हैं। जॉब स्ट्रेस, नेगेटिव वर्क एनवायरनमेंट जो है वो भी हमारे लिए स्ट्रेसफुल होता है बहुत ज़्यादा। डिफ़िकल्ट कॉम्प्लेक्स टास्क और टाइम प्रेशर, इन सब चीज़ों की वजह से हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में और बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहने लगते हैं। सीक एन ऑक्यूपेशन दैट पेज यू वेल, सिक्योर, प्रोवाइड्स यू सपोर्टिव सुपरविजन। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट यू फील वैल्यूड, कनेक्ट विद पीपल, फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कलीग्स, आपके जो भी, आप उनसे बातचीत करें, कुछ उनकी सुने, कुछ अपनी सुनाएं, तो उससे भी स्ट्रेस लेवल कम रहता है। कुछ नॉलेज, कुछ जोक्स वगैरह, नॉट गॉसिप्स। अच्छी और पूरी नींद भी हमें स्ट्रेस से बचाती है। स्लीप इज़ अ पावरफुल स्ट्रेस रिड्यूसर। रेगुलर स्लीप रूटीन लेने से, फॉलो करने से आपकी बॉडी काम रहती है, आपकी कॉन्सेंट्रेशन इम्प्रूव होती है, जजमेंट्स और डिसीजन मेकिंग आपके शार्प हो जाते हैं। अच्छी और पूरी नींद लेने से डेली लाइफ के जो स्ट्रेस होता है वो आप अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करें और बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव। दूसरों से अपने आप को कंपेयर ना करें। बाकी एक इंस्पिरेशन होती है या कोई आपको पर्सनैलिटी अच्छी लगती है तो हम उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, वो एक अलग चीज़ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, डेली शावर लें, साफ़ सुथरे रहें। अपने रोज़ाना के कामों की एक लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि हम ओवरबर्डन ना हो जाएं, और हमेशा प्रायोरिटी बेस्ड हमारी लिस्ट होनी चाहिए। जो काम हमें प्रायोरिटी पर करने हैं कि कल हमारे ये काम होंगे, और जब हम वो काम ख़त्म कर लेते हैं तो एक सेटिस्फेक्शन हमें जाती है कि हमने अपने काम खत्म कर लिए हैं। मगर जब हम ओवरबर्डन हो जाते हैं तो फिर हम स्ट्रेस की तरफ चले जाते हैं। आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।